हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स यानी गति विज्ञान एंड जीव यांत्रिकी विज्ञान से। जैसा कि जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जैसा कि यह तीसरा वीडियो है किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से। एंड दोस्तों, जैसा कि आपका बीपीएससी के लिए अब टाइम नहीं है, ईएमआरएस भी आपका लगा हुआ है एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सारे वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड बीपीएससी के लिए आपके पास सबसे कम टाइम है, अब आपके पास टाइम भी नहीं है एंड जो सिलेबस है वो भी अब दो पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। आप सबको समझ में आ गया है, 150 क्वेश्चन होगा जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, 40 क्वेश्चन जीके जीएस से एंड 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से होगा, जिसमें पास होना आपको अनिवार्य होगा, 30% लाना। तो 120 में आपका मेरिट बनेगा और 30 क्वेश्चन आपका पासिंग अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौशल प्रक्रिया में गति का मूल आधार है। स्किल इज द बेसिक ऑफ स्पीड इन द प्रोसेस। तो इसके लिए बेसिक आधार है अवस्थापित सहज क्रियाओं का संस्थापन। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नोज परीक्षण होता है। तो लॉन्ग नोज परीक्षण संतुलन योग्यता हेतु होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, जोड़ तथा पेशियों में स्थित रिसेप्टर को कहा जाता है। तो जोड़ तथा पेशियों में स्थित रिसेप्टर को प्रोप्रायोसेप्टर बोला जाता है, जो उच्च लचीलापन हासिल करने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वाट अवस्था में रोके रखने के दौरान किस प्रकार की पेशी संकुचन होता है। व्हाट टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्वायर्स ड्यूरिंग होल्डिंग इन द स्क्वाट पोजीशन। तो स्क्वाट अवस्था में रोके रखना यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशी तनाव तो बना हुआ है बट पेशी की लंबाई न बड़ी हो रही है न छोटी हो रही है, नो मूवमेंट नो चेंज। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर सी आइसोमेट्रिक। कौन सा होगा, आइसोमेट्रिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंज संधि को कहा जाता है, हिंज ज्वाइंट इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मूवेबल ज्वाइंट यानी कि चल संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, मूवेबल ज्वाइंट यानी चल संधि के अंतर्गत आता है। संधियां तीन प्रकार की होती है, चल, अर्धचल और अचल। चल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। एंड अर्धचल संधि को सीटली मूवेबल ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट एंड कॉर्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहते हैं। चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार के ज्वाइंट है, अभी जस्ट में बताई हूँ, तीन प्रकार के, चल, अचल और अर्धचल। अचल संधि में हमारा खोपड़ी का ज्वाइंट, दांत का ज्वाइंट आ जाता है एंड अर्धचल में हमारा रीढ़ का ज्वाइंट, हमारे रिब्स का ज्वाइंट। और चल संधि में छह प्रकार की होती है जिसे मैं बार बार वीडियो में एक्सप्लेन करती आई हूँ। नेक्स्ट है, किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं, हुज डिसलोकेटेड ज्वाइंट कैन वी सी। तो दोस्तों, हम कंधे के उखड़े जोड़ को हम देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, व्हाट इज यू अंडरस्टैंड बाय फिजियोलॉजी। तो दोस्तों, यहां पे क्रिया विज्ञान की बात हो रही है। तो शरीर क्रिया विज्ञान से तात्पर्य होता है मानव शरीर के सभी भाग के कार्य से, इसका मतलब होता है फंक्शंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड जब रचना विज्ञान पूछे तो बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर संरचना होगा, जब किन्सियोलॉजी पूछे तो शरीर की गति का अध्ययन होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है,
तो दोस्तों जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी यानी कि आर्थोलॉजी बोला जाता है एंड अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसे किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? तो दोस्तों इस टाइम जो है कोणीय गति यानी एंगुलर मोमेंट होता है। चलना एक नियमित आवृत्ति में से गिरने की प्रक्रिया होती है और इस दौरान व्यक्ति अपने को उठाए रखकर बार बार संतुलन प्राप्त करता है। सामान्य ढंग से चलना तथा किसी प्रतिस्पर्धा में चलना दोनों में बहुत असमानता है। आम जीवन में चलना मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, जबकि स्पर्धा में चलना कंपटीशन में चलना एक कौशलपूर्ण कार्य है। चलने की क्रिया का प्रमुख लक्षण स्थानांतरण है। खिलाड़ी जब चलता है तो इसमें चलते समय हाथों एवं पैरों में होने वाली क्रिया में कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोमेंट होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कई वीडियो में, तो यहाँ पे कौन द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है इसमें आपको देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला है वी शेप स्थिति, वी सीट स्थिति यानी कि जो वी सीटअप होता है वो आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक में होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सेस बीच में होता है फोर्स एंड रेसिस्टेंस के। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है फोर्स एंड एक्सिस के। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। तो दोस्तों वी सीट स्थिति किसमें होता है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, एंड सीटअप जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में होता है। यहाँ पे द्वितीय प्रकार का पूछा है तो पुशअप जो है आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हो जाएगा। ठीक है, पुशअप हो गया, जबड़े का खुलना बंद होना एंड प्लांटर फ्लेक्शन, एंड आपका बास्केट वॉलीबॉल में पंजे से जंप लेना, ये सभी एग्जाम्पल्स द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में है। जबकि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में है आर्म फ्लेक्शन, थाई फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मुड़ना, सेटअप, हाथ को ऊपर उठाना, ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक में है। एंड प्रथम प्रकार के उत्तोलक में सिर का आगे व पीछे झुकना, वॉलीबॉल में स्मैश करना, वी सेटअप एंड एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म एंड एंकल फ्लेक्शन। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य का उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल? तो यह है हवा में फेंकी हुई गेंद। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी वस्तु को किस कोण पर फेंके जो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करे। 45 अंश पर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करता है, जबकि 90 अंश पर कोई दूरी तय नहीं करता, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है? तो इसमें से ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण कौन है? ग्लाइडिंग मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी पर सरकता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पर क्या करता है? सरकता है। तो इसमें हो जाएगा जो है कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट। कौन हो जाएगा? कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट जो है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, जो हड्डियों की दो चपटी सतह एक दूसरे पर फिसलती है, इसलिए इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट या फिसलने वाला ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? तो दोस्तों क्योंकि वो केंद्र की तरफ बल लगता है उस समय, जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगता है, बल लगता है, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो हम बाईं तरफ ट्रैक पर दौड़ते हैं तो बाईं तरफ झुक जाते हैं, उसका कारण होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण यानी कि ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी एक वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। जैसे किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, इसी कारण धावक ट्रैक में दौड़ते समय बाईं ओर झुक जाता है, याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। नेक्स्ट है, कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन एल्बो एंड नी?
तो दोस्तों एल्बो एंड नी एक दिशा में गति होती है, जिसमें एक दिशा में गति होती है इसे हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि या कोर संधि यह कहा जाता है। इसमें एक तल में गति होती है और एक ही दिशा में होती है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है। और हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ और जबड़ों का ज्वाइंट आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है। तो लंबी अस्थियों का मानव शरीर में उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं, ठीक है, उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है। इन विच ज्वाइंट द बोन कैन बी रोटेट 360 डिग्री। तो दोस्तों यह जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है, हम अब कंधे की संधि को, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को 360 अंश में घुमा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की पाठ यहां पे हो गया है। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड मैप क्या होती है। तो दौड़ने के लिए बनाया गया स्टैंडर्ड पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है। तो दोस्तों 400 मीटर होती है, 400 मीटर ट्रैक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन द्वारा 400 मीटर के ट्रैक को प्रमाणित ट्रैक माना गया है। धावन पथ यानी ट्रैक चार प्रकार के होते हैं, याद रखिए कौन कौन से, ग्रास ट्रैक, सिंडर ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक एंड क्ले ट्रैक। ग्रास ट्रैक यानी घास का धावन पथ होता है, सिंडर ट्रैक यानी राखी का धावन पथ होता है, सिंथेटिक ट्रैक यानी कृत्रिम धावन पथ है, क्ले ट्रैक क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी का धावन पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अस इन टर्म ऑफ बायोमैकेनिक्स। दोस्तों जहां भी समस्त भार कार्य करता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का प्रभावी भार केंद्रित रहता है। औसतन मानव शरीर में उसके वजन के केंद्र उसकी लंबाई के 55-60% भाग पर गुरुत्व केंद्र निहित होता है। खिलाड़ियों का गुरुत्व केंद्र स्थायी नहीं होता, खिलाड़ी का गुरुत्व केंद्र समय, स्थान तथा खिलाड़ी के शरीर की स्थिति के साथ परिवर्तित भी होता है। जैसे महिलाओं का गुरुत्व केंद्र पुरुषों से नीचे होता है, इसलिए वह संतुलन वाली क्रियाएं ज्यादा अच्छा से कर लेती है, यानी गुरुत्व केंद्र जितना नीचे रहेगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है। तो वो होता है आपका पेल्विक, ठीक है, हिप वाला भाग, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में संकुचन नहीं होता। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो दोस्तों जिसमें मांसपेशी में संकुचन नहीं होता, लंबाई एक समान बनी रहती है, न घटता है न बढ़ता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, गति करता हुआ होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। क्या कहते हैं उसे, आइसोमेट्रिक व्यायाम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट केवल होती है। तो दोस्तों प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट अकॉर्स वनली। तो दोस्तों जैसे कि ये प्लांटर फ्लेक्शन द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, यह हमेशा टखने में यानी एंकल में होता है, ठीक है, किसमें होता है, एंकल ज्वाइंट में, टखने में होता है प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना इसके एक उदाहरण है। तो दोस्तों जंपिंग जैक में बगल में उठाना, हम क्या करते हैं संतुलन बनाते हैं उसमें, तो ये एब्डक्शन यानी कि जो हाथ होती है शरीर से दूर होती है, तो एक ये है एब्डक्शन, इसका कौन सा उदाहरण है, एब्डक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था। तो मांसपेशी संकुचन का सिद्धांत इन्होंने ही बताया था कैसे मांसर्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था अमेरिका के हक्सले ने 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मांसपेशी संकुचन के दौरान यदि किसी मांसपेशी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस संकुचन को क्या कहते हैं। राइट आंसर आप दे दिए होंगे, तो इस संकुचन को कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निम्न क्षेत्र को कौन ऊपर और नीचे भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों जैसे कि हमारा जो है व्हाट डिवाइड द लोअर रीजन ऑफ द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसवर्स प्लेन यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हमारे शरीर में प्लेन यानी तल होता है, तीन प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल। जो सेजिटल प्लेन होता है वो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति जो होती है वह आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट। एंड जो हमारा फ्रंटल प्लेन होती है ये हमारे शरीर को आगे पीछे बांटती है और गति जो है दाएं बाएं होता है, जैसे एबडक्शन एडक्शन। तृतीय प्रकार का तल होता है प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। यह शरीर को ऊपर नीचे बांटता है और सभी रोटेशन एंड एलिवेशन मोमेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को कहते हैं, तो इसे स्वामित्व अभिग्राहक यानी प्रोप्रायोसेप्टस रिसीवर बोला जाता है। संधि और पेशियों के बीच जो अभिग्राहक होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी और संधि दाह प्रतिक्रिया के उपचार में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो पेशी और संधि दाह प्रतिक्रिया में कार्टिसन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खुराक का प्रोटीन हिस्सा प्रमुख होता है किसके लिए? बल प्रमुख खेल के लिए कि क्षमता प्रमुख, यानी फोर्स डोमिनेट गेम्स के लिए कि एबिलिटी डोमिनेट गेम्स के लिए? तो दोस्तों प्रोटीन क्या करता है? हमारे मसल्स को, उत्तकों को, कोशिकाओं को बिल्ड करता है। तो मसल्स, कोशिकाओं को बिल्ड करने में किसकी आवश्यकता होती है? जो स्ट्रेंथ वाले गेम होती है, बल वाले खेल होते हैं, एनएरोबिक क्रियाएं होती हैं, उसमें ज़्यादा जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जबकि क्षमता वाले में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेलते समय इस प्रकार की ऊर्जा उपयोग में आती है, द टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलते समय इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग में होता है, कौन सा ऊर्जा दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा होगा? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी राइट होगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। फुटबॉल पर पैर से ठोकर मारने से यह गति करने लगती है। नेक्स्ट दोस्तों, गले का जोड़ इसका उदाहरण है, नेक ज्वाइंट इज ए एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो दोस्तों जो गले का ज्वाइंट होता है रोटेशन मोमेंट करता है, इसको हम पिवट ज्वाइंट या धुराग्र संधि कहते हैं, पिवट ज्वाइंट या धुराग्र संधि कहते हैं। इसमें दोस्तों पहली हड्डी होती है सर्वाइकल ज्वाइंट की एटलस और दूसरी होती है एक्सिस, और यही जो गति होती है एटलस एक्सिस के बीच, इसे धुराग्र या कीलदार संधि या खूंटी संधि या पिवट ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, घूमने वाले बल द्वारा अनुभव किया बल जब हवा में चलता है तो उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं मैग्नस फोर्स। क्या कहते हैं? मैग्नस फोर्स, यानी कि यदि कोई बेलनाकार या गोलीय ठोस वस्तु किसी तरल में डूब कर चक्रण यानी स्पिनिंग कर रही हो तथा तरल तथा चक्रण कर रही हो रही वस्तु के बीच अपेक्षित गति हो तो उस वस्तु पर किनारे की तरफ एक बल उत्पन्न होता है जिसे मैग्नस प्रभाव कहते हैं। मैग्नस फोर्स के कारण ही सर्व की गई टेनिस में गेंद वक्र बनाती है। नेक्स्ट दोस्तों, श्लेष्मक संधि है, व्हाट इज साइनोवियल ज्वाइंट। श्लेष्मक मतलब साइनोवियल, तो साइनोवियल ज्वाइंट क्या है? चल संधि है। क्या है? साइनोवियल ज्वाइंट है चल संधि, यानी मुक्तता चल आपका राइट हो जाएगा। फ्रीडम वाल्व यानी फ्रीडम, एकदम फ्री है, फ्रीली मूवेबल, इस चल संधि को कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के आसपास गति होती है, तो मोमेंट अक्रॉस अराउंड द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, हाइपर एक्सटेंशन, उपरोक्त सभी। तो कौन होगा दोस्तों? जैसे कि आप देखते हैं हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में हिप एंड कंधे का ज्वाइंट आता है, जिसमें हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, हाइपर एक्सटेंशन, इन सभी गतियों को कर सकते हैं।
तो दोस्तों अप्रोक्स सभी यहाँ पे राइट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे पिछले वाले वीडियो में किसी ने कहा था जो प्रोजेक्टाइल जो आंसर है वो राइट है, आप कन्फ्यूजन में हैं, उसे देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।